पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने समुची मनुखता नू बराबरी अते प्यार दा पाठ पढ़ाया। हर एक नू अपने धर्म विच रह के जिंदगी दियां खुशियां मानन दी आजादी दी सिख्या दित्ती। पर इस दे उल्ट तुर्क अते मुगल हमलावर खुद नू अनोखे समझदे सन। ओह दोनों हत्थां नाल मुल्क नू लुट रहे सी अते तलवार नू मजहब दी जुबान बना के हर एक जात उपर अपना धर्म थोप रहे सी। बिना रोक टोक लुट खसुट अते मार कुट दे इस समय विच धर्म परिवर्तन तो घबरा के कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर दे कोल मदद मंगन पहुंचे। तद 8 साल दी छोटी उम्र विच ही गुरु गोबिंद सिंह ने कश्मीरी पंडितां दे पक्ष विच आवाज उठा के अपने गुरु पिता नू इस जुल्म दे खिलाफ लड़न लई कहा। गुरु तेग बहादुर जी ने जुल्म दा सामना कीता। उन्हां कश्मीरी पंडितां दे मनुखी अधिकारां ह्यूमन राइट्स दे लई जदों इह शब्द भी इजाद नहीं होया सी दिल्ली जा के अपना शीश दे दिता। पर धर्म परिवर्तन दा इह जुल्म रुकिया नहीं। दशमेश पिता दी जवानी दे नाल नाल ही इस जुल्म दे खिलाफ लड़न दा जज्बा भी जवान हो गया। उन्होंने अपने विचारां नाल अज्ञानता दे हनेरे नूं अते अपनी तलवार नाल जुल्म नूं मिटाण दा फैसला कीता। श्री आनंदपुर साहब विच खालसा पंथ की स्थापना की अते पूरी मुगलिया हुकूमत नूं झंझोड़ के रख दिता। लोगों के हक सच ते धर्म की आज़ादी लई उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता। अपने 4 साहबजादे भी श्री आनंदपुर साहब एक पासे ठाठां मारदा सतलुज दा दरिया दूजे पासे आसमानी रंग विच कुलिया सिरसा नदी दा पानी रंग बिरंगी हरी भरी वादी दी बुक्कल विच गुरु जी दे 4 साहबजादे हसे खेडे ते मुस्कुराए। ओ नगारे दी चोट नाल खुली हवा विच उड़दे ते लोकी वेखदे रह जांदे। पिता जी ने हुक्म भेजा कि मैनू चिट्टे हाथी ते बिठा के वीरां दी दौड़ दिखाओ। मेरा भी ता नाल लिया सी। हां हां ओ कहंदे सी फतेह सिंह नु भी नाल बिठा लई पर मैनू ता छेती जा रहे ने तुसी हाथी नू अग्गे करो। जुझार सिंह पुल दे वाल आ रहे ने। ए पुल एक कालता टूटने तो बचे है। जुझार सिंह छोटे वीर तो अकेले निकलना।
ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ हे दशमेश पिता मैं बड़े बूहे खड़काए बड़िया को जाके फरियाद की थी, पर किसे ने मेरी बाँ नहीं फड़ी मेरी सज भी आई वोटी दा हले चूड़ा भी नहीं सी उतरिया कि पठान चुक के लै गया हुण तां तुसी मेरी मदद कर सकदे हो दशमेश पिता दे दरबार चो कदे भी कोई फरियादी खाली हाथ नहीं मुड़िया जो हुकम गुरु पिता जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिंदूर से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे तोड़ साडे मुल्क ते हुए बाबर दे हमले दा श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी च दस्या है किवें सुहागणा दे सिंदूर मिट्टी विच मिल गए जिन्हां दे सिरां ते सोहणियां पट्टियां सन किवें उन्हां दीआं बुरियां हालतां हो गईआं लोकां दे दर्द नूं अपने दिल विच समो के गुरु साहब ने बाबर नूं कहा सी कि इन्ना कुछ वेख के भी तै की दर्द ना आया दादी मां इन्ना जालम सी बाबर ओदे राज च लोकी इन्ने दुखी सी आ जिहड़ा दिल्ली दे तख्त ते बैठा है इहदे राज च केड़ा कोई सुखी है वीर जी तुसी औरंगजेब दी गल करदे हो ना हां उस पत्थर दिल इंसान दी जुल्म करना तां जिसदी आदत बन चुकी है ਜ਼ਾਲਮਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਆ ਗੁਰੂ ਨਮੇ ਜੁਗਾਤ ਗੁਰੂ ਨਮੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਨਮੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਨਮੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਛੂਕਣ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇਗੀ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਸੋਹਣਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇਰਾ ਗਤਕਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਹਾਂ ਜਾਓ ਦੇਵਕੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੋਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
वीर जी मेरी तलवारबाजी शुरू कराओ, उस्ताद जी भी यही महसूस करते ने। जुझार सिंह दे शरीर भी चुन काफी फुर्ती है। तलवारबाजी दे गुर ता मैं कुछ अपने आप सीख लेने, तुसी चाहो ते अजमा के देख लो। उस्ताद जी। अच्छा वीर सिंह जी, ठहरो, तलवार मैनू दियो। मेरे छोटे वीर ने किन्ने को गुड़ सिख लेने, ए मैं खुद देखना चाहता। सीख लेने कि मेरा वार रोकने के काबिल हो गए। मैदान जंग में जिन्ना जरूरी होता है दुश्मन को हराना, उस तो कितने बद होता है अपने आप को बचाना, तो इसलिए अपने बचाव पक्ष को कभी भी कमजोर ना होने दो। मेनु तो इंज लगता है वीर जी कि मैं मैदान जंग में दुश्मन की हाथ फड़ी तलवार को छुड़ा सकता हूं। मैं सिंह जी, सोना पठाली च टल चुकी है, उन्हें दे गहने बनाने शुरू करो, पर याद रहे सिंह दी किरपान किरपा करन लिए उठती है, जुर्म करन लिए नहीं। वीर जी हुन तुसी गतका छेते छेते सीखना, ताई मेरी वारी जल्दी आओ। की होया वीर जी, आ देखो इन्ने मेरे हाथ ते दंदी वड्डी। तुसी मेरा कान क्यों मरोड़िया? तू मिर्चा वाले हाथ मेरी अखां नु क्यों लाए? हां वीर जी देखो एना दी अखां जो किवें पानी निकल रहा है। फतेह सिंह गलती होगी वीर जी। फिर ता इस गलती दी सजा मिलेगी। हुन असी एदी अखां चो पानी कढांगे इन्नु हसा हसा के। मेनु गुदकतानिया कड्डन लग पे, मेरी मिर्चा वाले हाथ अपनी अखां नू ला के ता देख दे पानी निकलदा कि नहीं। वीर जी फतेह सिंह दा दिमाग बहुत चलदा है, असीं इन्नू बाकी सेवका वांग संस्कृत पढ़न काशी भेजांगे। नहीं वीर जी मैं दोनों सारे नु छट के कितनी नहीं जाऊंगा। ना जाए ठीक है, फिर नहीं जाना ते संगत दी सेवा करनी पेगी, भाई कन्हैया जी तो भी वध के। वीर जी एक वारी तुसी भाई कन्हैया जी बारे सुनांदे सुनांदे रुके सी, की सी पलाओ? मैं दसदा वीर जी, एक बार एक सिंह ने आके शिकायत कीती, गुरु जी युद्ध दे बाद भाई कन्हैया जी जख्मी तुरका नु भी पानी पिलांदे ने। भाई कन्हैया जी ने अगो आख्या, गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਨਈਆ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਆ ਕੀ ਗੰਗੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋ ਲਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
परगटिया मिटी तुंद जग जानन हो जो कर सूरज निकलिया तार छपे अंधेर पलोआ तार छपे अंधेर पलोआ सतगुरु नानक परगटिया जग चानण हुआ सतगुर नानक परगटिया मिटे धुंद जग चानण हुआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ सतगुर नानक मेरे पोतियां ने खुश कर दिता ना मेरे लाल नू ए खुशियां दा खेड़ा साड़ी वेड़े हमेशा हस्ता वस्ता रहे ए रौनकां बहुत ही देर ना रहियां मुगल सल्तनत लोकां नूं जबरदस्ती धर्म बदलन दे लई कहिंदी सी ते दशमेश पिता दा सजाया खालसा पंथ उस दा विरोध करदा सी इसे लई हर धर्म ते हर जात दे लोग गुरु जी नाल जुड़दे ते फखर महसूस करदे उन्हां दी वधदी ताकत मुगलिया हुकूमत ते पहाड़ी राजें दी परेशानी दा सबब बन गई सूबाए सरहंद वजीर खान नूं सरद रुत विच पसीने आ रहे सी उसनु कुछ समझ नहीं आ रहा सी कि वो की करे असि गुरु ते उसदे सिंघां कोलों कई लड़ाइयां हार चुके हैं एक लख फौज दिल्ली तो होर मंगवा के उन्हां दा सफाया करो इंज नहीं हो सकदा कि सप भी मर जाए ते लाठी भी ना टुटे एक बंदे दी मौत नाल खालसा पंथ दी कमर भी टुट जाएगी मैं समझ गया हजूर पर उस गुरु नाल टक्कर कौन लवेगा मुगलिया सल्तनत दा सब तो ताकतवर सूरमा बैंडे खान गोबिंद अपनी फौजा नु क्यों मरवाने चल
तू ते मैं आपस विच दोनों लड़के जंग दा फैसला कर लेने हां। गुरु साहब ने पंजा प्यारिया तो आग्या मंगी। फिर तैयार हो जा गोविंद। बोले सोनिहाल। वार कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, खालसा कदी पहले वार नहीं करता। ललकारिया तू है बेंडे खान, वार मैं किवें कर सकता? नहीं, पहले वार तू कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, सोच ले बेंडे खान, जे वार करन दी तमन्ना दिल च रह गई ते फिर की करेगा? ते फिर बचा अपने आप नू। लो दीना बेग साहब, बेंडे खान दा तीर खालसा पंथ दी कमर तोड़न लई तैयार है। फिर निशाना लगाउन तो पहले वाहे गुरु जी ने कहा, नर विच हर है, हर विच नर है, ते निरंकार हर इंसान विच तू आप है, पर इस वक्त मेरे तीर दे सामने किसे दा हंकार है। गुरु साहब ने कहा, अपने रब नू याद कर ले पेंडे खान। मैं ते सिर तो पैरां ताई लोहे ची मड़िया हां। पुछो इसनू मेरे तीर किथे मारेगा। बेंडे खान की खबर सुन वजीर खान तिल मिला उठ्या। उसकी नजर फिर पहाड़ी राजा ते पाई। वजीर खान ने पैगाम भेजा कि गोविंद की ताकत नू खत्म करन लई असी उस दे नाल हाथ मिला लिए। उस जालिम दे नाल सानू कोई समझौता नहीं करना चाहिदा, खास तौर ते गोविंद दे खिलाफ। असी जिन्नियां लड़ाइयां लड़ियां सानू सब नू मुंह दी खानी पई। फिर भी गोविंद ने कदी भी तुहाडी किसे दी जमीन दे एक टुकड़े ते भी कब्जा नहीं किया। इस विच भी उसकी कोई चाल होवेगी। बिल्कुल, वजीर खान भी परेशान ना हुंदा तां इह पैगाम ना भेजदा। असी सारे तुहाडी राय नाल चलांगे राजा जमेर चंद। मुगलई ते पहाड़ी राजा ने एक दूजे दे नाल हाथ मिला के आनंदपुर दे किले नू घेर के तावा बोल दिता ते जंग शुरू हो गई। 6 महीने बीत गए, सर्द रुत ने हर पासे पैर पसार दिते, सिपाहियां च बीमारी फैलन लगी, मुगलां ते पहाड़ी राजा दे खजाने खाली होन लगे, सिपाहियां च बगावत दिन ब दिन वधदी जा रही सी, किले विच भी हालत कुछ ठीक नहीं सी। 6 महीने तो किले विच खान पीन दा सामान ना दे बराबर सी। किले विच भुखमरी इस हद तक फैल चुकी सी कि 100 सिंघां ने गुरु साहब नू छड़न दा फैसला कीता। गुरु साहब ने अपने माता जी नू उन्हां कोल भेजिया। तुहाडे गुरु ने तुहाडी बेनती परवान कर लई। बस इस बेदावे विच लिख दियो कि तुसी उना दे सिख नहीं ते ओ तुहाडे गुरु नहीं। असी लिखण लई तैयार हां। इत्थे हुण सवाए भुखमरी ते मौत तो होर कुछ नहीं रहा। इस किले नू छड़ के जाना ही चंगा है। जेकर कोई होर सिंह अज तो खुद नू सिंह नहीं कहाना चाहुंदा तां ओ वी इना दे नाल बाहर जा सकदा है। सौ सिंह छड़ के जाना चाहते सी पर सिर्फ 40 ही गए, बाकियां दी जमीर ने आज्ञा ना दिती। सिपे सलार, ओ सिंह जा रहे ने। रुक जा, लगता है डर के भज रहे ने। जान दे इन्हां नूं,
सही सोचा है जनाब। इस तो पहला साड़ियां फौजा केरा तोड़ दें, बस इसे तरह ही किला खाली हो जावे। एक बार धोखा देने तो बाद आखिरकार कावच सप वांगू रेंगदा वजीर खान दा गुरु साहब नू पैगाम आया, जिस विच मुगला ने अपने धर्म ते पहाड़ी राजा ने गौ माता दी कसम खादी कि जे गुरु साहब किला खाली कर जान कोई उन्हां दी हवा वल भी नहीं चाकेगा। ओ जिस पासे जाना चाहन अपने सिंघां नू नाल लेके जा सकते हैं। गुरु साहब ने इस खत नू अपने करीबी सिंघां दे कहण ते प्रवान कर लिया, आनंदपुर दा किला खाली कर दिता। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, छेती करो तुसी दोवें। वीर जी, असी भी थोड़े नाल रहना है। तुसी दादी माता ते माता जी दे नाल रहो ते उना दा ख्याल रखो। फिर तुसी साडे नाल आ जाओ, असी चारों मिलके इना दा ख्याल रखदे हां। नहीं फतेह सिंह, असी अखीरले दल दे पिछे सारयां दी राखी करदे जावांगे। हुण जिथे डेरा लगावांगे उथे मिलांगे। ते जे मिलन ना आए? तुसी जिथे होवोंगे ना असी मगरे मगरे आ जावांगे। अच्छा ठीक है, चलो हुण। वीर जी, कुटके जफ्फी पान नू दिल करदा है। मेरा भी। वीरे गले मिले ने जैसा मिलाप होया, चुप चाप रोए तारे आसमां भी रोया। देखो आनंदपुर तो जैसा बड़ा बिछोड़ा, उड़िया जमान सर चो हंसा जोड़ा जोड़ा, कैसी कड़ी जो बिछड़े पुड़का मिल न पाए। खान साहब, समझौते मुताबिक गुरु ते उन्हां दे सिंघां ने शांति नाल किला खाली कर दिता है। मैं किले दिया ईटा सिर च मारनिया ने, मैनू ता अपना शिकार गोबिंद किले तो बाहर चाहिदा सी। इच्छा ता पूरी हो गई, हुण सोच की रहे हो खान साहब? असी ए नहीं कर सकते, असी अपने धर्म ते इन्हां ने गौ माता दी कसम खादी है। कसम? जिस वक्त गुरु ते उस दे सिंह कीरतपुर टप्पन लगन, पिछों दी हमला बोल दियो। गुरु दे नाल नाल एक भी सिंह जिंदा ना रहे। मुगली हुकमराना ते पहाड़ी राजा ने समझौता तोड़ दिता है। हजारां दी गिनती विच फौजां साडा पिछा कर रही ने। कोई परवाह नहीं, असी मोर्चा संभाल दे। पर मोर्चा किथे संभालिए अजीत सिंह जी? असी सैकड़े ते दुश्मन हजारा। ओ सामने दो पहाड़ियां विचो हजारा दी गिनती च दुश्मन उत्थों एक बार नहीं निकल सकदा। आओ चलो। साध संगत जी, गुरु साहब दा आदेश है, अमृत वेले नू वेखदिया होया आसा दी वार दे दीवान सजाए जान। ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖੋਰਚੂਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
दीवार बन के खड़े हो जाओ, ये तो एक भी मुगल सिरसा बन ना जा पाए। अजीत सिंह जी, सिरसा नदी का पानी चढ़ता जा रहा है, गुरु पिता ने तुम जल्दी बुलाया। सिंघा का मोर्चा भारी पै रहा है, पहाड़ी ते चढ़ के उन्हां दी पिट पिछों दी वार करो। भाई साहब सिंह जी, पिट पिछों वार हो जाए। पुल दे राही इन्हां दा पिछा करदे आं। माता जी, सरसा ने रोक लिते होनी ने चार हारी। असीं दूर तक वेख के आए हां माता सुंदरी जी, कोई दिखाई नहीं दिता। भाई मनी सिंह जी, सानू दिल्ली वल तुर पैना चाहिए। एक बार फिर वेख के आंदा हां, शायद अजीत वीरा जा कोई होर मिल जावे। एथे रुकना खतरे तो खाली नहीं है माता जी, चलो निकल चलदे हां। चलो बच्चों, गंगू ठीक कहंदा, जिवें दादी दी मर्जी। जिसने भी पार जाना सरसा की बेडुबो। उन्होंने इंतजार किता होगा, पर खतरा देखते हुए शायद दिल्ली वाल नूं तुर पए होंगे, जिस तरह तो पहले तय होया सी। कोटला निहांग होंदे होए गुरमाजरा चलण दा हुक्म होया। उस दिन जेकर सरसा नदी कैर ना टौंदी तां अज इतिहास कुछ होर होना सी। गुरु साहब दा परिवार खेरू खेरू हो गया। माता जी गंगू ब्राह्मण दे नाल उसदे पिंड खेड़ी वाल नूं चल पए। चौधरी बुद्धू चंद ने गुरु साहब नूं अपनी गढ़ी विच शरण दित्ती, जिथे आके ओ पहला भी एक लड़ाई लड़ चुके सन। गढ़ी काफी उच्ची जगह ते बनी हुई है, एदे चार दरवाजे ने। इन्हां तीन दरवाजियां राही दुश्मन दा आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। केवल इस वड्डे दरवाजे थाई आया जाया जा सकता है। इहदे बाहर झाड़ियां ते टिब्बे ने, गढ़ी दे हर पासे वल साडी नज़र रहनी चाहीदी है, पर इस दरवाजे वल सानू खास तौर ते नज़र रखनी पवेगी, क्योंकि दुश्मन जेकर हमला करेगा तो इस पासे तो ही करेगा। हिम्मत सिंह जी, गढ़ी दे चारों दरवाजे ते पहरेदार लगा दिते ने, पर साधन फिर भी सीमित ने। पर हौसले तो बुलंद ने। सुन के खुशी हुई, चंगा होया किसी रस्ते विचों होर हथियार ले लेते। बिल्कुल सही, आओ उपर गुरु पिता कोल चलदे हां। तुसी वेखो, हां
गढ़ी के चारे पासे पहरेदार लगा दिते ने। दशमेश पिता जी, तुहाडे हुकम अनुसार जख्मी सिंघा दा इलाज चल रहा है। असी गढ़ी के आस पास तिखी नजर रखांगे। मुगल फौज इत्थे किसी भी वेले पहुंच सकती है। अजीत सिंह जी, असी असली पहरेदार नूं तां भुल ही गए सी। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੋ ਸੁਣੋ, ਖਲਕ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੜੇ ਕੁੜੀਏ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲਾਲ? ਤੂੰ ਜਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬੇਬੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗਾ ਡਰਪੋਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਕੌੜੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਸੀ ਤਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿੱਟ ਲਾਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੈ ਪਾ ਲੈ ਚੂੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਆਪਣਾ ਚੌਕਾ ਚੁੱਲਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਨੀ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਲੜਾਂਗੀ। ਓਏ ਮੂਰਖ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਭੱਜ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਗਿੱਦੜੋ? ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਪਏ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੋ ਸੁਣੋ, ਖਲਕ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ। ਪਾਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਝਾੜਿਆਂ ਚ ਲੁਕਦੇ ਹੋਏ ਗੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੜੀ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੱਕਰ? ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਗਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ।
बस माता जी कुछ अद्धा कोस होर होना। लो आ गया कुम्मा। ओए कुम्मा की सोच रहे हैं चुचार सिंह? निक्के वीरां दी याद आ गई सी वीर जी, सरसा नदी दे पानी नू पता नहीं की सुझ्या, आज दे दिन ही इन्ना चढ़ना सी। तू फिक्र ना कर चुचार सिंह, माता जी ते होर सिंह साहब हान उन्हां दे नाल, हुण तक तां ओह दिल्ली पहुंच गए होंगे। गंगू ख्याल रखी, नदी नाल लगदी पगडंडी फड़ लवी, उस सीधी तेरे पिंड खेड़ी नू जांदी है। पर चौड़ा रास्ता सौखा नहीं, नाले छोटा भी है। पर खतरे तो घट नहीं, उस रास्ते मुगल सेना आउंदी जांदी रहिंदी है। वे गंगू कुम्मा ठीक कहंदा, रास्ता औखा सही पर सानू बच के चलना चाहिदा। असी गुरु पिता गुरु मां ते वीरा कोल कद पहुंचांगे? असी सारे अलग अलग रस्ते वाल इसलिए हो गए हाँ ताकि दुश्मनों नू भुलेखे च पा सकीए। जिद्दां ही माहौल ठीक होएगा अजीत वीर जी सानू आके लै जाणगे, है ना दादी माँ? बस वो आप किसी मुसीबत च ना हो। सिंह जी गिनती च मुगल फौज किन्नी को होगी? आही कोई 10 लाख दे करीब। 42 दे सामने 10 लाख सिंघां दे जोश तो किन्ना डरदी है मुगल फौज। वाह जुझार सिंह वाह, मां पर ती पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं ता थोड़ा थोड़ा, पर तू ता थोड़े तो भी किते अगे निकल गया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। हुन दसांगे दुश्मनां नूं कि एक सिंह 1.25 लाख दे बराबर किवें होता है। बोले सो निहाल। गल सुन नपन मियां, तू तां कहिंदा सी मुट्टी पर सिंह ने। मैनूं तां 100 दी खबर सी, पर उन्हां दे जकारे ने कन्नां दे पर्दे फाड़दे मैनूं तां ज्यादा लगदे ने। ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਹੋਣੇ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 100, 500, 1000? 80 ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵਸੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਸਨ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ। सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौजों में आए, सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता है। खोले दबे पांव टहल रहे थे सतगुरु, भक्ति से मुरीदों की बहल रहे थे सतगुरु। देखते हर एक को गुरु दीदारे तरसे, जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना। सतगुरु सिंहों को निहारते थोड़ी और आगे आए। साहबजादे जहां दोनों ही सोए हुए पाए, जिगर के टुकड़ों से हुआ जबकि गुजरना मुश्किल हुआ, इस जगह से कदम आगे को धरना। सोचते थे कल दोनों ही परवान चढ़ेंगे, पर गुरदार मेरे सचखंड में तुम चैन करोगे। हमें शहादत का बड़ा शौक है वाहिगुरु, सब कुछ है तेरा, कुछ भी ना मेरा है वाहिगुरु। चुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे,
जैसे धरती पर सोए तो कमल चूमने बैठे। सर ठीक किए सरके हुए, जख्म भरे मरहम से, साफे कभी सिंहों के, बिछाते उठाते हुए जमीन से, उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने। है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। सिपाहियों हमला करो, छोर लगातार करो, ताजो सिंह बाहर ना आ सकन, जैसी गड़ी तक पहुंच जाइए। तीर मारो फैजल, गड़ी दे दोनों कोनिया ते जाके इना दी गिटिया दी तीर मार दिया। रुक जाओ, तीर ना चलाओ, साढ़े अपने बंदे नूं लगन गे। अगे वधो, तुहानू लखा सिपाही दिते ख्वाजा मोहम्मद, मुट्ठी पर सिंगा नू तुसी काबू नहीं कर सके। जाओ जाके एक बार हमला बोलो ते सब नू खत्म करो। खान साहब ओ उच्ची जगह ते बैठे ने ते असी नीवी जगह ते, जेकर असी एक बार हमला कीता ता साडे घटो घट 20,000 जवान मारे जानगे। नहीं नहीं, ए नुकसान बहुत ज्यादा है, ठहरो मैनू सोचन दियो। इस तरह करो, उन्हां दी तीरां दी मार तो 10 गज दूर होके बैठ जाओ। सिंगां कोल फिर दो ही विकल्प रह जाणगे, जां तां गड़ी तो बाहर आके साडे नाल लोहा लैण तो पहला ही साडे सिपाहियां दे तीरां दी भेट चढ़नगे, जां अपने गुरु समेत मेरे सामने आके घुटने टेक देणगे। शहीदियां पाउण दा मुगल गड़ी नूं केर के बैठ गए ने। उन्हां नूं पता है कि साडे कोल खाण पीण दा समान सीमित है। गुरु साहब दा हुकम है, सानू गड़ी दे बाहर जाके लड़ना पवेगा। ठीक है, असी सारे इक्को वार जाके हल्ला बोल देंगे, घट्टो घट सैकड़े नूं धरती ते बचा देंगे। असी सैकड़े नहीं हजारां नूं मारांगे,
पर जिवें गुरु पिता का हुक्म है कि पांच पांच सिंघां दा जत्था मुगलां नाल लड़न वास्ते गढ़ी तो बाहर जाएगा। असी उन्हां नूं इन्ना नुकसान पहुंचावांगे जिन्ना उन्होंने सुपने विच भी सोचा नहीं होना। पहला जत्था लैके मैं जावांगा, मेरे नाल चार सिंह जान वास्ते तैयार हो जान। औली दुल्दा फायदा चुके दुश्मन को पहुंचना है। लगता सिंह आ रहे हैं, तू जाके देख। मैनू नहीं लगता, तू जा। कुटिया की खबर है जी। कोई है? लगता कोई आ गया है। जी हजूर। तो आनंदपुर वाले गुरु दे किसी परिवार वाले नु जा उन्हां दे सिंगा नु वेखिया। तुहाडे तो पहला एक टोली तुहाडे सिपाहियां दी आई सी ते यही पुछदे सी। मैं उन्होंने भी यही कहा सी कि मैं तो कोई सिंह नहीं वेख्या। लगता बशीर खान की टोली होगी। चलो असी नदी किनारे इस छोटे रस्ते की हो चलते हैं, उन्हां नाल छेती मिल जावांगे। छोटे रस्ते। वाहेगुरु राखी करें। माता जी इतने थोड़ी देर आराम कर लो। फतेह सिंह तू की सोच रहे हैं? फतेह सिंह दादी मां माता जी थी याद आ रही सी। याद तो मैनू भी आ रही सी पर माता जी दे नाल अजीत वीरा जुझार वीरा ते गुरु पिता जी तो होणगे ना दादी मां? हां पुत्तर शायद। दादी माँ माता जी भी सानू याद कर दे होंगे ना? की होया माता जी? तुसी फिकर ना करो माता जी, जिथे भी होंगे खुश होंगे, चौंकड़ी एक दूजे तो बिना नहीं रह सकती। हे वाहेगुरु सुख रखी। भाई दया सिंह जी तीन जत्थे गड़ी तो बाहर जा चुके ने, हुन अगला जत्था मैं लेके जावांगा। बस अरदास करन तो बाद गुरु पिता दा आशीर्वाद लेके आना। हैरो अजीत सिंह जी तुसी इस युद्ध विच नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? तुहाडी कुर्बानी नाल पंथ नू ना पूरा होण वाला काटा पवेगा। मैनू शहीद होए सिंघां नालों वक करके ना देखो भाई दया सिंह जी, खालसा पंथ रिश्तियां दा मोहताज नहीं। मैं अपने गुरु पिता नू चंगी तरह जानदा हां।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਹੈ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਭੋ ਨਾ ਡਰੂ, ਨਾ ਡਰੂ ਔਰ ਸੋ ਜਬ ਚਾਏ ਲੜੂ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂ। Let's go.
ऐसे तीर मारो। चीज की लोड़ हो वे ले आवो, मोरा होर चाहिए होन ते मैथों ले लेना। रख पुत्तर। माता जी, इत्थे वे ता सब कुछ तुहाडा ही है ना, ए खेचल ना करो, मैं रोटी बनाउंदी आ। गुरु जी, सरसा नदी ते आके सारा परिवार बिछड़ गया। माता जी, छोटे साहबजादे पता नहीं कित्थे चले गए। अजीत सिंह जंग में शहीद हो गए ने, फिर भी तुहाडे मत्थे ते कोई शिकन नहीं। दुनिया जीवन दे तरीके लभदी है, ते तुहाडा हौसला सिंघां नूं शहीद होण दी जात सिखांदा है। बस हुण तां बाबा जुझार सिंह ते ही आसा ने कि इह वड्डा हो के पंथ दी बागडोर संभालेगा। गुरु पिता जी, मैं भी वड्डे वीर वांग जंग च जावांगा। ना जुझार सिंह, ना तू एहो जी गल ना कर, तू तो हाले बहुत छोटा है। गुरु जी इनू समझाओ ना। मैं सेवा सिंह नू कहना कि अगला जत्था वो लेके जाएगा। जत्थेदार जी, मानता हाँ कि मैं तलवारबाजी विच पूरा निपुण नहीं, पर अनजान इन्ना भी नहीं कि 8-10 नू मार के मर ना सका। गुरु पिता जी, मैनू आशीर्वाद दियो। शस्त्र धारण करके युद्ध विच जान तो पहला जिवें तेरा वड्डा वीर सोहना गबरू जवान लगता है, तू भी उसी तरह लग्या करेगा। तुहाडे आशीर्वाद तो बिना भला मैं मैदाने जंग विच किवें जावांगा, उदों खुद ही देख लेना। गुरु मां, तुसी इत्थे? हां, जंग ते जान तो पहला मैं अपने पुत्र नू मिलन आई सी। गुरु पिता जी दे चरण स्पर्श करन लग्या, मैं यही सोच रहा सी कि काश आज मेरे कोल मेरे गुरु मां हुंदे, मैं उना दा भी आशीर्वाद लेके जंग नू जांदा। डरता नहीं लग रहा? मां, मैं ता सिर तो पैर तक जोश नाल भर गया। मैनू फकर है मेरे लाल, आज मेरा लाल जंग विच लड़न वाला योद्धा बन के नितरेगा। मां, तुहाडी अखां चो हंजू? ए हंजू नहीं, आशीर्वाद दे पुत्तर। जिव जिव हुकम तिवे तिवकार, नानक साचे की साची कार।
ਦੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਪੁੱਤਰਾ ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਸੀ माता जी, लगता कोई चोर थोड़ी गठड़ी लै गया। कोई गल नहीं पुत्र, उस चोर की भी कोई मजबूरी होएगी। हाँ, पर माता जी उस विच तो थोड़ी सारी दौलत सी। नहीं पुत्र,
मेरा सब कुछ ता मेरे कोल है। नहीं नहीं माता जी, मैं जाके कोतवाली विच शिकायत कर दा। रहन दे पुत्तर, अजकल चोरां नाल ज्यादा लोग कोतवाली विच लुटे जांदे ने। जिद्दां आखो माता जी। कोतवाल आया तो मेरा खजाना ही ले जावेगा। ओए सही क्या सी उन्होंने, बंद मुट्ठी खुले हाथ दी उंगलियां तोड़ दिंदी है। इन्हां दे गुरु च जरूर कोई गैबी ताकत है। कोई गैबी ताकत नहीं हैदर मियां, जंग विच फतेह जिगरे वालियां दी हुंदी है। वजीर खान नूं कहो अपने बच्चें नूं जंग विच भेज के विखावे। मुगलां वल्लों कोई हरकत नहीं है जथेदार जी। गुरु साहब ने फैसला किया है कल दे जथे नाल खुद जंग विच जाणगे। नहीं संगत सिंह जी, यह नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत से सानू गुरु साहब नू रोकना ही पवेगा। भाई दया सिंह जी, गुरु साहब ने पंज प्यारे नू अमृत छका के खालसा पंथ सजाया। हाँ, एदा मतलब पंज प्यारे ही पंथ ते पंथ ही पंज प्यारे ने। बिल्कुल। बस फिर असी सारे जाके गुरु साहब नू बेनती करते हैं कि गुरु जी तुसी हो ता पंथ है ते साडे सिखां दे लई पंथ ही सब कुछ है। खालसा ही गुरु ते गुरु ही खालसा है। गुरु साहब जी, पांच प्यारियों नू खंडे बाटे दा अमृत छका के तुसी अधिकार उन्हां नू दिता सी कि जद कदी भी पंथ ते पीड़ पवे तां पांच प्यारियों दे हुकम नू अटल मन्या जावे। असी पांच प्यारे तुहाड़ी बनाई खालसा पंथ दी लोकतंत्री नीति नू बरकरार रखते हुए पंथ दी बेहतरी लई अपने गुरु नू बेनती करदे हां कि वो गड़ी छड के चले जान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उस रात गुरु साहब अपने किसे सिंह नू अपनी पोशाक पवा के गड़ी चो एक आम आदमी वांग निकले। उना नाल भाई दया सिंह, धर्म सिंह ते भाई मान सिंह सन, पर जांदे जांदे भी योद्धा दी तरह दुश्मनां नू ललकार दे होए गए। ताड़ी ठोक के कहा, हिंद दा पीर जा रहा है, कोई रोक सकता है तां रोक लवे। ये सुन के मुगलां विच तरथली मच गई। कौन है उठे? तेरी आवाज आई सुनो, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह सुनाई भी नहीं दे रहा। गुप हनेरी रात सी, किसे नू सुझिया ही नहीं के की होया। ओ मैं ठीक सुनया है, मैं फौजदार नू जाके दसदा। अगली सवेर चमकौर साहब विच कमासान युद्ध होया। जिस सिंह ने गुरु जी का बाणा पाया सी, उसनू देख के फौजदार नू लग्या उसने गुरु जी नू मार दिता है। वजीर खान खुशी नाल नच उठया। ओए मूर्खों, ए गुरु नहीं है, कोई होर है। जाओ जाके गड़ी दा कोना कोना छान मारो। खान साहब, गड़ी च कोई भी नहीं है, बस गुरु दा एक नीला कोड़ा ते चार अरबी कोड़े खड़े ने। इस दा मतलब है के ओ एक बार फेर साड़ियां अखां च कट्टा पा के निकल गया। गुस्ताखी माफ खान साहब, गुरु दा जोर दी आवाज दे के गया। कल रात जो मैं सुनया फेर ओ ठीक सी। हिंद दा पीर जा रहा है, कोई रोक सके ता रोक ले। मैं ता फौजदार नू उसी वेले जाके दस्या सी। मैनू क्यों नहीं दस्या? हुन जाओ हर पासे जाके उसनू तलाश करो। मैनू ओ हर हालत विच चाहिदा है। मैं उसदे सिर ते तुर्की पग बन के उसनू अपना गुलाम बनावांगा। सिपाहियो जग जग कियो, मार गेरो उस गुरु दे बाज नू। तुहाडी इज्जत ते हाथ पाया छड्डांगे नहीं। आलो पुत्तर दूध।
दादी माता, गंगू अजीत वीरन सुनेहा पहुंचा के आ गया। तू भी अपने दादा जी वांग गल नूं भुलदा नहीं। दादी मां, आज मैं सुपने च दादा जी नूं मिलिया। दादा जी नूं? हां, वो दिल्ली चांदनी चौक विच रहंदे ने। उन्होंने उत्थे बहुत बड़ा महल बनाया है। हां, ते महल दा रंग चिट्टा है। हां हां, चिट्टा ही है। गल सुनो, तुसी दोवां ने इको सपना किवें वेख लिया? ए छोटू शैतान है मां, ए चोरी छुपे मेरे सपने च आके होवेगा। दादी मां, पहले मैं दस्या ना थानू, इना ने लुक के मेरा सपना देखिया। चल दस, ओ ते होर कौन सी? अजीत वीर जी ते जुझार वीर जी। ए बिल्कुल ठीक कहंदा है मां जी, अजीत वीर जी ते जुझार वीर जी ओथे रहंदे ने। जुझार वीर जी ने गतका छड़ता ते आजकल ओ तलवारबाजी सिखदे ने। हां दादी मां, ते अजीत वीर जी ने मेनू कहा कि सरहंद दे इलाके विच कई दीवारां बहुत पुरानियां ने, बाबर तो भी पहले दियां। तू ते फतेह सिंह ध्यान नाल खेलिया करो, किते कोई कान तुहाडे दोहां ते ना गिर पवे। ना पुत्तर, शुभ शुभ बोलिया करो, एहो जे माड़े लफ्ज़ नहीं सुबान तो कड्डी दे हुंदे। हे वाहिगुरु, सुख रखी। जनाब, गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी ते उन्हां दे दोनों छोटे बच्चे मेरे घर लुके होए ने। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਸੂਰਮਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ? ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਭਾਗੋ, ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਣਗੇ। ਓਏ ਸਿੱਖਣੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗਜ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੈ, ਫਿਰ 6 ਗਜ ਵੀ ਮਾਰ ਲਵੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਵੀ। ਤੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਅਸੀਂ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार मेरा दातार ता बख्शनहार है। माता जी सानू उस दातार परम कृपा निधान जी दे चरण शरण ले जाओ। जरूर लेके जावांगी, मैं तुहानू उन्हां नाल मिलावांगी। दिल जदो अंतर ध्यान होके अपनी आँखां नाल वेखदा है ता मैनू अपने गुरु दे साक्षात दर्शन हुंदे ने। साडी उन्हां नाल मुलाकात जल्दी होवेगी। दादी मां, किसी नूं कुछ पता नहीं साडे गुरु पिता किथे ने? नहीं पुत्र, मेरा गोबिंद मेरे पोतियां दे सवालां च ते अपनी मां दे ख्यालां च पता नहीं किथे गुम हो के रह गया। तेरे प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, सानू सथर चंगा यारड़ दा, सानू सथर चंगा पठ खेड़ियां दा रहना, पठ खेड़ियां दा रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरी दादा कहना। गुरु साहब जी कोल पहुंच के तिन्ना सिंघां ने निरंकार दा शुक्रगुजार कीता। उन्हां दी फटी पोशाक ते जख्मी पैर देख के उन्हां दी खुशी नामोशी विच बदल गई। बोल मिर्जा। जनाब, गुरु दी माता ते बच्चियां नूं कित्थे रखना है? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ, ਇਹ ਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਉਦਾਸੀ? ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ,
चल दादी नू याद कराइए। अकाल पुरख जो करता है ठीक करता है, उस दे हुकम बिना ता पत्ता भी नहीं हिलदा। उस दे बुरे काम विच भी अच्छाई हुंदी है, पर असी उस नू समझ नहीं सकदे। ऐस लई उस नू भुलण दी गलती कर बैठदे हां ते दुख पौंदे हां। जेकर तुहानू मेरियां गल्लां इस हद तक याद ने मेरे बच्चो, तो मैं कदी नहीं भुलांगी कि तुसी मेरे शेर पुत्र दे लाल हो ते मैं उसकी मां। मिर्जा जी, मैं निकी अर्ज करना चाहता सी। मैं उदे लई तुहानू कुछ भी देने लई तैयार हाँ। कुछ भी देने लई तैयार है मोती? तो फिर असी भी कुछ भी सुनने लई तैयार हाँ। मिर्जा जी, मैं गुरु जी दे माता जी ते उन्हां दे बच्चियां लई आ दुध ले जाना चाहता सी। ठीक है, मलाई मैनू दे जा ते दुध तू ले जा। ओए मोती रुक, ए मलाई दा वक्खा थोड़ी निकलू, चल वापस। खान साहब, आज मेरे को लही है, कल मैं अपनी कारवाली दे सारे गहने ले आवांगा। गहने ले आवेंगा? ओ ता मैं आज दे हिसाब विच गिन लवांगा। कल दे हिसाब विच की देंगा? कुछ ता करांगा जी। कल गहने याद ना ले आई, चल जा। हे वाहेगुरु, माता जी ते बच्चा दी सेवा देन दा तेरा लख लख शुक्र है। माता जी, तुहाडे ते इन्हां बच्चियां लई दुध लैके आया। मोती दी है माड़ी जी सेवा कबूल कर लैणी। मोती पुत्तर, तू साडे लई दुध लिया के अपने लई कोई खतरा तो नहीं मुल लै रहा? फिर की होया माता जी, मैं तां भागा वाला हाँ जिन्हों यह सेवा करन दा मौका मिलिया। जिन्ना चिर तुसी इत्थे हो मेरी ये सेवा इसी तरह कबूल करते रहोगे जी। अच्छा पुत्तर। बेटा, तेनू मेरे गोबिंद पुत्र दी कोई खबर मिली होवे? ओ ता अंतरजामी ने सब दी खबर रखदे ने, फिर उन्हां दी खबर मेरे वर्गे मामूली इंसान नू की होएगी? बस इन्ना सुनिया सी चमकौर विच कमसान दा युद्ध होया, नतीजा की निकलिया पता नहीं। माता जी, एक गल समझ नहीं आई। केड़ी गल? एक पासे ता वजीर खान दे सिपाही हाथ विच नंगी तलवारां फड़ी गुरु साहब दा सिर कलम कर लई उन्हां नू जगह जगह ते लभदे फिरदे ने, ते दूजे पासे उसे इलाके विच दो मुसलमान भरावां ने गुरु साहब नू बड़ी इज्जत नाल अपने घर विच रखिया है। बंदे बड़े नेक ने। नेक ने ते अनेक ने। अनेकां उहनां दे भगत हन, सैकड़े उहनां दी फौज दे सिपाही हन, कईआं नू तां गुरु साहब ने अपनी फौज दा मुखिया तक बना रखिया है। गुरु साहब किसी मुसलमान जां इस्लाम दे खिलाफ नहीं हन, ओता उस कट्टरवाद सोच दा विरोध करदे हन जिहड़ी कमजोर ते मजलूम लोका दा धर्म परिवर्तन करके उहनां दा तन दौलत लुट रही है। गुरु साहब, औरंगजेब ते उस दे दूत वजीर खां विच चल रही है लड़ाई किसे सिख जां मुसलमान दी लड़ाई नहीं है। ए तां अच्छाई बुराई नाल लड़ रही है जिहड़ी हमेशा चलदी रहेगी। इसे अच्छाई बुराई दा सबक पढ़ा के तुसी कई पटके हुए सिंघां नूं सिधे राह पाया। इस कारज लई खालसा पंथ तुहाडा हमेशा ऋणी रहेगा माता जी। मैं तो अपने गुरु दा एक निमाणा जिहा सिपाही हाँ जिसने अपनी नज़र अपने गुरु दे फरमान ते टिका रखी है कि कद मेरा दशमेश पिता मैनू हुक्म देवे
ते मैं दुश्मना नाल पिल जावा। खान साहब, बुजुर्ग औरत ते बच्चियां नु गिरफ्तार करना था साडे सिद्धांत दे खिलाफ है। की ओना ने सरहंद चा के कोई बगावत कीती? ओना दा कसूर की है? ओना दा कसूर है कि ओ बागी गोबिंद दी मां ते उस दे बच्चे ने, उस बागी गोबिंद ने साडी नक विच दम कर रख्या है। मैं उस नु गिरफ्तार करन लई उस दे परिवार नु हिरासत विच लिया है। पर ध्यान रहे, बच्चा ते मां उते कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जेकर कोई ऊंच नीच होई तो सानू मजबूरन हरफिया बयान दा दस्तावेज दिल्ली भेजना पवेगा। काजी साहब कुछ करो। पर मेरे हत्था विच कुछ तो दियो। बागी उन्हां दा बाप है, बच्चे दा नहीं। जो मैं उन्हां दी सजाए मौत दा फतवा तुहाडे हत्था विच रखदा। ऐ मौका मैं हत्थों नहीं जान देना चाहुंदा। इको तरीका है, ना थानू फतवा लैन दी लोड़ पवेगी ता ना मैनू देण दी। ते तुसी गोविंद तो भी अपना बदला लै पाओगे। ओ किदा? जेकर बच्चियां तो साडा धर्म कबूल करवा लिया जावे ता। जदों उस दी औलाद ही साडा मजहब कबूल कर लवेगी ता उस गुरु लई इस तो वड्डी कोई होर हार हो नहीं सकती। पर मैं अपने बच्चा नाल क्यों नहीं जा सकती? बेकार दिसत ना करो माता जी, सानू जिवें हुक्म होया असी तो ओवें ही कर रहे हैं। चलो चलो, तुसी क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? बच्चा नू नाल लेके चलो। हाँ साहब, जो करना है वो सोच लिया। तुसी वेखना ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਤੇ ਛੋਟਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਪਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਬਾਹ ਸਰਹੰਦ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੇ। ਕਾਫਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਗਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਬੇਈਮਾਨ। ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚਾਰੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹਲੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ
ਉਹ ਚਮਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਖਾਮੋਸ਼! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਓ, ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੇ ਮਹਿਲ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠ ਬਾਠ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਹੈ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲੋ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਵੋਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋਚ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਾਓ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਲਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਤ ਮੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਮਨਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਖਾਜਰ ਖਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਐ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਗਵਾਨੇ,
माता ते बच्चियां दे लई दुध लोटे च पा दिता। थोड़ा होर कढ़ लैण दिओ। अज मैं खजूर ते लाची भी पाई है। तुसे छीको विच रखे गहने चुक लेने? चुप क्यों? की गल है? गहने तो मिर्जे ने कल दे हिसाब विच जोड़ रखे ने, अज की दवा? तुसी उसनु ए कर दे दिओ, असी सरां विच जाके गुजारा कर लवांगे। पर रब दे वास्ते इस दुध की सेवा विच कोई विघन ना पैण दिओ। पुत्तर, बच्चों प्रति तेरे दिल विच इन्ना प्यार देख के मैं रब को दुआ करांगी कि वाहिगुरु तेरी इस सेवा नू जरूर पाक लगाए। बस माता जी, और सच्चे दरबार विच तुहाडियां दुआवां दा ही सहारा है। होर इत्थों किसी ने की ले जाना है? हुण मैं चलदा। चंगा। हाँ बच्चो, तुसी खुल के नहीं दस्या अज दरबार विच की होया। होना किसी दादी माँ, सानू साडे दादा जी दी कुर्बानी याद सी, ओ भुल चुके सी, असी उना नू याद करवा दित्ती। दादी माँ, ओ सानू बच्चा समझ के डरा रहे सी। कहंदे सी जा मौत कबूल करो जा साडा धर्म। डराउन ली सानू ए वी कह रहे सी कि साडे दोवे वड्डे वीर चमकौर दी लड़ाई विच मारे जा चुके हैं। बस इन्ना सुनिया सी चमकौर विच कमसान दा युद्ध होया, नतीजा की निकलिया पता नहीं। दादी माँ। हाँ हाँ बच्चो, तुसी ठीक कहंदे हो, ओ तां जो मुँह चाहे बोली जांदे ने, ऐ थोड़ी हुंदा। आपां बड़ी छेती उन्हां कोल जावांगे। अज साडे विच नवाब मलेरकोटला जनाब शेर मोहम्मद खान भी हाजिर होए ने, जिन्हां दे इक नहीं दो भरावां नूं इन्हां दे पिता गोबिंद ने बड़ी बेरहमी नाल कतल कीता। तुहानूं पता है तुहाडे पिता ने नवाब साहब दे भरावां नूं क्यों कतल कीता सी? कोई गलती कित्ती होवेगी? एना दे प्रावां ने इन्ने छोटे बच्चे ते इन्नी वड्डी जुबान, एन्ना वड्डा वजीर ते एन्ने नीच काम, परे दरबार शरेआम। गुस्ताखी दी सजा मौत है। सजा मंजूर है पर चुकना कबूल नहीं। तुहानू मौत तो डर नहीं लगदा? तुहानू खुदा तो डर नहीं लगदा? जुबान संभाल के बोल, बेखौफ। बेखौफ जींदे हां, बेखौफ मरदे हां, क्योंकि असी गुरु दे सिंह हां। सिंह? हां, सही काम करन वाला बंदा सिंह हुंदा है। किसे दे हंजू पूंज के उस नु खुशी देन वाला बंदा सिंह है। कमजोर दी ताकत बनन वाला बंदा सिंह है। इंसाफ ले जिंदगी दाव ते लाण वाला बंदा सिंह है। ओए सिंगो, इना दे भरा इंसाफ दी लड़ाई लड़दे सी जदो तुहाडे पिता ने युद्ध विच उन्हां दा कतल कीता। युद्ध विच ना? ओनू कतल नहीं, कुर्बानी कहंदे ने। तुसी उसनू कतल कह के एना दे शहीद भरावां दी मौत दा अपमान कर रहे हो। लफ्जां दा जाल विछा के तुसी अपने बागी पिता दे गुनाह ते पर्दा नहीं पा सकदे। ओना दे गुनाह दी सजा तुहानू जरूर मिलेगी ते ओ सजा खुद नवाबे मलेरकोटला तय करनगे जिन्हां दे तुसी गुनाहगार हो। दसो फिर नवाब साहब, तुसी केड़ी सजा देना चाहोगे अपने ना दुश्मना नू? मैं गोविंद कोलो अपने भरावां दी मौत दा बदला लेना चाहुंदा हां ते ओ मैं जरूर लवांगा। पर मैदाने जंग विच ए मेरे गुनाहगार नहीं हन। औरतां ते बच्चियां कोलो बदला नहीं लिया जांदा। मैं चाहुंदा हां इंसानियत दे नाते गोविंद दी मां ते ओदे बच्चियां नू रिहा कर दिता जावे। नवाब साहब, तुसी अज साबित कर दिता कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है।
मैं भी इंसाफ विच यकीन रखदा हां। नवाब साहब दी मर्जी ते जनता दी ख्वाहिश दे मद्देनजर मैं इन्हां नूं आजाद कर दियांगा। पर मैं इन्हां कोलों ऐ तां पुछलां कि ये आजाद होके की करनगे? ओही करांगे जो साडे गुरु पिता कर रहे हन ते जिहड़ियां सिंघां दीआं आउण वालीआं नसलां करनगीआं। की आखरी साह तक जुल्म ते बेइंसाफी दे खिलाफ लड़ांगे। ओ किवें? असी अपने गुरु पिता दे सिंघां नूं फेर इकट्ठा करके फौज तैयार करांगे। सुनिया तुसी सारे ने इना दे बागी इरादे? जेड़ा इना दा बागी बाप साडे खिलाफ कर रहा है ओही है बागी बच्चे करना चाहुंदे ने। हुण दसो दरबार विच बैठे काजियो ते वजीरो कि मुगलिया सल्तनत दे इना बागियां बारे ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਦਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬੱਚੋ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਬਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਵਾ। ਮੇਰਾ ਫਤਵਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਬਸ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਓਏ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰ ਵਰਸੇਗਾ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋ ਚੋਰ ਭਰਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬੇਗ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨ ਬੇਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ। ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਜ਼ੂਰ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤਰ, ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਿਣਨਗੇ, ਮਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਣਗੇ? ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਮਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ,
मैं नहीं चाहती कि कल नू इतिहास के पन्निया ते सूबे सरहंद दा नां मासूमा दे कातिल दे रूप विच जानिया जाए। तू चाहनी है कि मैं उस शख्स दे बच्चियां ते रहम करा जिन्हें मुगलिया सल्तनत दे नक विच दम कर रखे है। मैं कुछ नहीं कर सकता, काजी साहब अपना फतवा दे चुके ने। काजी दा फतवा बदलिया जा सकता है, ए मैं जानदी हां। उस फतवे नू किवें बदलना है ए तुसी जानदे हो। होश विच आओ बेगम, मैं उन्हां बच्चियां दी सजा माफ नहीं करांगा। मैं नहीं चाहुंदा कि समूची मुगलिया हुकूमत मैनू सिखां दे गुरु तो डरन वाला डरपोक कह के बुलाए। तीर कमान चो निकल चुके है, हुन कुछ नहीं हो सकता। खुदा दे वास्ते इंज ना करो खान साहब, ए जुल्म है, ए जुल्म है। ओ माता, बच्चियां नू तैयार करो, लैन आ रहे हैं, फतवा जारी करना है। असाज मुड़ के उड़ा नहीं।
क्यों अपने दुश्मन आप बन गए हो बच्चो? हाले भी थोड़े को वक्त है, हाले भी थोड़े को वक्त है काजी साहब, अपनी जिद छड़ दियो, नहीं तो इस धरती ते डुल्या साडा खून एक दिन जरूर रंग लेके आएगा। की रंग ले आएगा? इत्थे तुहाडी याद विच कोई महल बन जाणगे? चला दो इन्हां नूं दीवार विच चिन्ना शुरू कर दिओ। ओंकार सतनाम करता पूरक निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवन गुर प्रसाद सोच लवो, हाले भी बहुत कुछ हो सकता है। ना दोहां नूं बाहर कढो। ये दोवें तां हले जिउंदे ने खान साहब। हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिंहों की सल्तनत का ये पौधा लगा चले। गंगू नू इनाम विच मिलिया सोना, कद मिट्टी विच मिलिया, उनू पता भी नहीं चलिया उसकी जमीर इस पाप का बोझ सह न सकी, वो पागल हो गया। दुध की सेवा करन वाले मोती मेहरा नू भी बख्शा नहीं गया, उसनू ते उसके परिवार नू कोल्लू विच पीस के शहीद किया गया। 40 बागी सिंह गुरु साहब तो बेमुख होके पछताए। खदराने की लड़ाई विच उन्होंने अपनी जाना कुर्बान करके मुक्ति पाई। अजकल ये जगह मुक्तसर के नाम तो जानी जाती है। होरां सिंघां नाल माई भागो भी गुरु साहब नाल कदम मिला के चली। नंदेड़ नू उसने अपना घर बनाया ते बड़ी श्रद्धा नाल खालसे की सेवा की। माता सुंदरी जी ने दिल्ली जाके डेरा लाया ते खालसे दी राजनीतिक मसलियां दी वागडोर संभाली। चारों साहबजादियां दी कुर्बानी नू निरंकार अपने महलां विच संभाल के रखना चाहुंदे सी। इसलिए उन्हां दी याद विच चमकौर ते सरहंद विच
गुरुद्वारे उसारे गए। गुरु साहब ने नवाब मलेरकोटला दी पवित्र सोच नू ऐसा आशीर्वाद दिता कि उसका राजपाठ अज भी कायम है, इथों तक कि मलेरकोटला का हर मुसलमान अज भी गुरु साहब नू मानदा है। गढ़ी दे मालक बुद्धू चंद की नौवीं पीढ़ी अज भी चमकौर साहब के आस पास बड़ी शानो शौकत नाल वसदी है। फिल्म विच दिखाए गए गुरु साहब के तीर हथियार ते जंगी सामग्री बिल्कुल उन्हां दे असली हथियारां दी नकल है। ये हथियार पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु साहब नू पूजन वालियां कोल अज भी मौजूद हैं। जिस वक्त गुरु साहब नू दस्या गया कि छोटे साहबजादियां नू दीवार विच चिण के वजीर खान ने शहीद किया है, उन्होंने हाथ विच फड़िया एक तीर धरती ते मार के एक बूटा पुट के कहा, इस बेरहमी मुगल सल्तनत दे दिन हुण उंगलां ते गिने जा सकते हैं। ठीक इसे तरह ही होया। 200 साल राज करन तो बाद मुगल सल्तनत अगले कुछ सालों विच ही खत्म हुंदी गई। टोडर मल ने वजीर खान को जाके इच्छा प्रकट की कि वह छोटे साहबजादियां ते माता जी का संस्कार करना चाहता है। वजीर खान ने उसनू उस बेशकीमती जमीन लैन वास्ते उस उपर सोने दियां मोहरां बिछाउण लई कहा। उसने यही किया ते इस नेक काम दे होण तो बाद उसनू सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई। जेड़े थाने विच माता गुजरी ते छोटे साहबजादियां नू कैद विच दिखाया गया है वह बिल्कुल उसे दी ही नकल है। जेड़े थाने दा कमरा अज भी मोरिंडे विच है। इस पवित्र थां ते गुरुद्वारा साहब स्थापित हैं। जेड़े दरखत थले गुरु साहब नू माछीवाड़े दे जंगलां विच आराम करदे हुए दिखाया गया है वह उसे दरखत दी ही रूबरू नकल है। जेड़ा दरखत अज भी माछीवाड़े विच है उस पवित्र थां ते गुरुद्वारा साहब हैं। हमेशा बदी उत्ते नेकी दी जित हुंदी आई है ते हुंदी रहेगी। ठीक 5 साल बाद बंदा सिंह बहादुर सरहंद ते कहर बन के टुटिया। उसके साथी फतेह सिंह ने वजीर खान का सिर कलम किया ते बंदा सिंह ने खालसाई केसरी झंडा सरहंद दे किले ते गड़ दिता। सुच्चा नंद नू बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद विच ही मौत दे घाट उतार दिता। काजी दीना खान जान बचा के दिल्ली भज गया। बच्चियां नू शहीद करन वाली कंध उसारन लई शासन बेग ते बाशन बेग नू उन्हां दे इस घिनौने काज लई बंदा सिंह बहादुर ने उन्हां दोहां नू मौत दे घाट उतार दिता। सिंघां ने सरहंद नू फतेह करके उत्थे दे रहन वाले लोकां नू कट्टड़वाद मुगलां तो मुक्त करवाया। लोकां ने जी भर के खजाने लुटे ते बंदा सिंह बहादुर लभदा होया उस खजाने कोल गोडे टेक के जा बैठा। वो टुटी हुई दीवार दियां नीहां कोल जिन्हां विच छोटे साहबजादियां नू शहीद किया गया सी।